दुर्ग पुलिस की रक्षा टीम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। रक्षा टीम प्रभारी और महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सी तिर्की ने छात्राओं को मुसीबत के समय अपने आप को कैसे सुरक्षित करें की जानकारी दी। छात्राओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर स्कूल की प्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। आज हमारे शाला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर के छात्राओं को भिलाई की रक्षा टीम के द्वारा बहुत सारी जानकारी दी गई। उनको अपनी आत्मरक्षा कैसी करनी है इसका टीम के सदस्यों ने डेमो भी दिया और उन्होंने उनको गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया। आजकल जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है तो मोबाइल के जरिए इंस्टाग्राम के जरिए कैसे उनको जाल में फंसा कर उनकी पूरी जानकारी लेकर बहकाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है और उनको किससे कैसे बचना है बहुत सारे तरीके बताए गए। मुझे आशा है कि हमारी शाला की जो छात्राएँ हैं इससे लाभान्वित होंगी और सचेत और सजग होंगी और अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी। रक्षा टीम का यह प्रयास किस तरह का है, कैसा लगा, बच्चों में अवेयरनेस रही कि नहीं इसका प्रशिक्षण लेने? बिल्कुल, हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वैसे भी प्रशिक्षित ले रही थी कराटे वगैरह का, पर वो जो मूल और सबसे ज़रूरी बात वो मुझे ये लगी कि अगर आप प्रशिक्षित हैं भी तो आपको उस मौके पर कितना जागरूक होना है, कितना अवेयर होना है और अपने सीमित साधनों के साथ में उस वक्त जो भी आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आपको जिस तरह से भी बहला फुसला रहा है, उसको किस तरह से उसी मौके पर सामना करना है। और अब चाहे उन्होंने ये जो बात कही कि आप स्कूल जा रहे हैं आ रहे हो तो आपके पास पेन है, बैग है, पानी की बॉटल है, उससे आप किस तरह से उन पर आक्रमण करके अपने को छुड़ा सकती हैं और जो भी इस तरह की एक्टिविटी अगर वो करते हुए है तो चुप नहीं रहना है। आपको अपने माता पिता से, अपने घर में, अपनी बहनों से, भाई, किसी न किसी से शेयर करना है। तो आज समाज में ये जागरूकता तो हो रही है जो पहले बहुत कम थी कि बच्चियाँ जो हैं डर जाती थी और उनको ये लगता था कि ये गलती जो हो रही है जो वो उनसे है, जबकि गलती करने वाला जो व्यक्ति है उसको शर्मिंदा होना चाहिए। तो बच्चियाँ शर्मिंदगी महसूस करती थी और वो जिक्र किसी से नहीं करती थी। तो इस कार्यक्रम के जरिए उनको समझ में आया है कि हमको खुलकर अपनी बात को सामने रखना है। मैं पूरी रक्षा टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारी शाला को दिया। पूरा शाला परिवार हृदय से आभारी है।